हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फ़ोन का ऑन ऑफ जो स्विच होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो स्विच होते हैं उसे हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए हमारा ये जो स्विच होता है हमारा, इसमें दो प्रोक्स होता है, एक ग्राउंड से होता है कनेक्ट और एक हमारा आईसी से आता है जिसे हम पावर ऑन करते हैं। फ्रेंड्स ये काम नहीं कर रहा हमारा, बहुत ज़ोर से दाबने पे ये काम कर रहा, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। इस स्विच को हम चेंज करेंगे। देखिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। कई लोग भाई लोग को परेशानी होती होगी कि स्विच कैसे चेंज करें कि हमारा स्विच अच्छे से बैठ जाए और हमारा अच्छे से वर्क करे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें फ्लेक्स पेस्ट लगा लेंगे फ्रेंड्स हल्का सा, ताकि आसानी से हमें निकल जाए। नॉर्मल हीट पे निकालना है हमें, 450 के आसपास, 350 हीट पे हम इसे SMD के माध्यम से मैं इसे निकालूंगा। ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हीट यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा फोन डेड भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा स्विच निकल चुका है, हमें इसमें रंगा ज़्यादा लगा हुआ है फ्रेंड्स, पहले इसे हमें साफ कर लेना अच्छे से, अपने सोल्डिंग आयरन से इसे साफ कर लेंगे इस प्रकार से। हमें अच्छे से इसे क्लियर कर लेना है। देख लेना पीछे, देखिए। और हमने आपको बताया था कि अच्छे से इसे डिसोल्ड करने के लिए हमें इसे इस डिसोल्ड वायर की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मदद लेंगे हम। और इसे जैक को अच्छे से बैठाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। इसमें हमें पेस्ट लगाना हल्का सा, उसके बाद हमें इसे अपने सोल्डिंग आयरन से इस पर जितने भी रंगे लगे हुए हैं उसे हमें साफ कर लेना है, ताकि हमारा स्विच आसानी से इसमें अटैच हो जाए। ये देखिए हमारा जो छिद्र है वो आर पर दिखना चाहिए। देखिए हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। ये देखिए हमारे पास स्विच है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए हमें स्विच को यहाँ पे इसे अटैच कर देना है, इसे हमें लगा देना है, इसे सेट कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए हमें आसानी से जा नहीं रहा है, हम इसे सोल्डिंग आयरन के माध्यम से पीछे से इसे सोल्ड करेंगे, तो ये आसानी से अपनी जगह पे चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल जगह पे हमारा स्विच फिट हो चुका है, और मैं इसे और अच्छे से फिक्स करने के लिए मैं इस पर हल्का सा पेस्ट लगाऊंगा। इसका दो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, उस पर हमें अच्छे से पेस्ट लगाना है
और यहाँ पे हमें पतले सोल्डिंग आयरन के माध्यम से हम इसे डिसोल्ड करेंगे। देखिए हमारे पास पतला वाला सोल्डिंग आयरन है, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। मैं सोल्डिंग रंगे के माध्यम से इसे इस पर हम काम करेंगे। और इसे दो प्रोक्स होते हैं फ्रेंड, दो पॉइंट, हम इसे अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ आपका पतला वाला सोल्डिंग आयरन आसानी से चला जाएगा। इसे अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे ताकि हमारा स्विच प्रॉपर वर्क करे। ये देखिए इस पे दोनों जो हमने इसे सोल्ड किया था इसे हम अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा स्विच प्रॉपर लग चुका है। अब मैं इसे चेक करूँगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसमें बोर्ड में लगा देता हूँ। सावधानी पूर्वक हमें इस बोर्ड को लगा लेना है। इस फोल्डर को लगा लेता हूँ। इसकी बैटरी डिस्चार्ज है, मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए हमारा फोन चार्जिंग ले लिया है। अब मैं इसे स्विचिंग करके दिखाता हूँ ये फोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, मैं इस बटन को प्रेस करूँगा। ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए यानी कि हमारा स्विच 100% बढ़िया से लग चुका है, प्रॉपर वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से स्विच लगाना बता दिया। इस प्रकार से आप बहुत सारे मॉडल में रेडमी के कुछ फ़ोन में मिलेंगे, जिस फ़ोन में भी आपको स्विच चेंज करना हो इस तरीके से आप उनका स्विच चेंज कर सकते हैं। बस आप सावधानी से, मैंने एक चीज़ ज़रूरी बात बताया आपको कि डिसोल्ड वायर रखना आपके पास बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब ज़्यादा आपके पास रंगा वहाँ पे लगे होते हैं तो इस डिसोल्ड वायर के माध्यम से आप उस रंगे को हटा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर काम कर सकते हैं। तो यह आप रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और मेरे वीडियो पर अगर जो नया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको और अच्छे से जानकारी दे सकूं और इम्प्रूव करके आपको वीडियो बना सकूं और आप अच्छे एक रिपेयर बन सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।